took his bag, man. Sharuk is back. यार बहुत तारीफ पटांगे बाद अभी मजा आ रहा है. आ जाओ गजर टूली के, आ जाओ भाई. बहुत जबरदस्त पिक्चर है भाई. और एक शाहरुख नहीं है, दो दो शाहरुख है. इंटरवल के बाद क्लाइमेक्स के बाद क्लाइमेक्स जो था बेटा कौन पसंद आया? दोनों दोनों, लेकिन बाप बाप होता है. बाप बाप होता है. डायलॉग को डायलॉग पांच में से बेटे को हाथ लगाने से बड़े बाप से बात कर. मूवी 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 अच्छी है. मूवी बहुत अच्छी है, देखना चाहिए सबको. और ये जो बॉयकॉट वॉयकॉट है उसका सुनो मत. आपको एंटरटेनमेंट चाहिए आजकल के ज़माने में. आपको खुश होना चाहिए. तो आपको अगर खुश हो आप मूवी देखने आओ. आपको नहीं देखनी घर पे बैठो. बॉयकॉट लेके कुछ आके आने का जरूरत नहीं. ओके, पठान से क्या अलग था इसमें? एक्शन अच्छा हो कि ज़्यादा VFX नहीं यूज हुए. हाँ. तो अच्छा लग रहा था पठान के, क्योंकि पठान मैंने लास्ट शाहरुख खान की पठान ही देखी थी. yeah. और अभी जवान देखी है, तो उसके कंपेरिजन में बोलूँगा तो पठान इज लिटिल बिट डिफरेंट. जवान बहुत काफ़ी अच्छी है, वो देखो. दोनों डबल हिंदुस्तानी की याद आएगी. जैसे मैंने स्टार्ट हुआ मूवी देखे, मैंने को लगा यार कमल हसन की मूवी याद आ रही है. हिंदुस्तानी देखे वो थोड़ी बहुत आपको याद आएगी, उसमें थोड़ा तड़का लगाया. बट ओवरऑल मूवी इज गुड, एंटरटेनमेंट है, बोरिंग जरा भी नहीं लगेगी. स्क्रीन प्ले रोल में कैसे लग रहे? डबल रोल में अरे पावरफुल यार, ज़्यादा वो बुढ़ा का रोल किया वो ज़्यादा अच्छा है. वो नैन्तो इज वेरी गुड, कम रोल है बट इट्स गुड. बेस्ट सीन तो मुझे ये लगा कि जब ही सुनील ग्रोवर बोलते हैं कि ये सब मेरे आदमी है, तो शाहरुख खान बोलते हैं कि ये तुम्हारे आदमी लेकिन ये जेल मेरी औरतों की है. दैट वाज अ गुड लाइक. बहुत सारे डायलॉग अच्छे हैं बट वो ज्यादा पंच वाला डायलॉग था. उसमें डायलॉग काफी अच्छा लगा. तो बाप बाप होता है आखिर में, उसकी जरूरत पड़ी एंड में, तो बाप बाप होता है. तो इट्स प्रीटी गुड. अच्छा मस्ट वॉच, मस्ट वॉच. दीपिका इज गुड, अच्छा रोल किया उसने. उनका हिसाब से उसने अच्छा रोल किया. बाबा की एंट्री खलनायक, तो ऑब्वियसली यार वो बहुत अच्छी है. उनकी पर्सनैलिटी लोग उनका वॉकी उसे पैसा वसूल है. तो बाबा इज वेरी गुड. देखो एक एक शाहरुख खान है तो इतना बनाया, तो दो शाहरुख खान तो ऑब्वियसली तोड़ना ही चाहिए. डबल तो आना चाहिए, तो दो शाहरुख खान में आना चाहिए. अरे ब्लॉकबस्टर है यार, ब्लॉकबस्टर है, बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर है. तो इट्स गुड, अच्छा. जिसको जिसको देखना है वो देखने आओ, जिसको नहीं देखना है उसको रेकमेंड करता हूँ घर पे रहो. किसी को फोर्स मत करो कि नहीं देखनी है. देखो बॉलीवुड का कमबैक करने के लिए और टाइम लगेगा. इट्स जस्ट वन ऑफ बिट्स एंड पीसेस में आ रही है मूवीज. सब लगातार अगर सुपर हिट आएगी तो बॉलीवुड का कमबैक होगा. एक आई फिर 10 फ्लॉप फिर एक आई, वो ऐसा होता नहीं है. सो कंटिन्यूस उसको आनी चाहिए लाइक सुपर हिट्स, तो ही बॉलीवुड का कमबैक होता है. वरना सॉरी टू से बॉलीवुड बहुत पीछे अभी. आउट ऑफ 10 बोलूंगा मैं 7.5 to 8. हाँ उतना बोलूंगा, क्योंकि साउथ का तड़का भी है तो अच्छा लग रहा था कि हाउ दे प्रेजेंट देयर हीरोज. हर एक में आपको एक एंट्री अलग एंट्री दिखेगी. जैसे वो लोग ऑब्वियसली कैमरा एंगल्स और दिखाते वैसा दिखाना चाहिए. सलमान को इसकी साउथ वाले डायरेक्टर की मूवी करनी चाहिए और अपना कुछ देना नहीं चाहिए इनपुट्स, डायरेक्टर की इनपुट लेकिन सुनना चाहिए. मैंने लास्ट पठान देखी थी, उसमें एक्शन था बट ऑब्वियसली सब लोग बोलते हैं वो रोमांस का रोमांटिक हीरो है रोमांट, बट उसमें वो कैपेबिलिटी है ताकि वो एक्शन हीरो भी बन सकते. विंटेज शाहरुख का अरे वो तो उनको एक्चुअली थोड़ा मुझे लगता है उनका डबिंग करना चाहिए था, बिकॉज कोई कोई जगह पे उनका हिंदी थोड़ा वोकैबुलरी थोड़ा मिस हो जाता है, तो उनको उनका वो थोड़ा डबिंग करना चाहिए था. ऑल टुगेदर इट्स गुड मूवी, मस्ट वॉच, मस्ट वॉच, मस्ट वॉच. थैंक यू, ऑल गुड. Dikuji bhai, all good. Classic dialogues, and one should come for this movie to watch Shahrukh Khan, only Shahrukh Khan. Only Shahrukh Khan बोल रहे public. कैसी लगी आपको? कैसी लगी movie? अच्छी है. Shahrukh Khan कैसे लगा movie? वो तो हमेशा अच्छे लगते हैं. Awesome, बहुत time बाद ऐसे कम family pack कर रहे हैं. आप लोग आओ और family के साथ देखो पूरा fully. फुल्ली इसमें स्टोरी डिवीजन एंड बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह पे बहुत अच्छे से वर्क किया गया है. हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है. कोई भी ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती का कुछ डाला गया हो. एंड रविचंद्रा अनिरुद्ध रविचंद्रा जो है साउथ इंडियन के थेरी वासी एंड विक्रम, इन सब में बैकग्राउंड म्यूजिक दिया जो कि कमाल के एक बैकग्राउंड म्यूजिशियन है. वो उन्होंने इसमें दिया है फर्स्ट बॉलीवुड में, तो उनको प्लीज आप मतलब प्रेजेंट किया. आप लोग आओ और उसको देखो, काफी अच्छा किया उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक और ओवरऑल एक्टर्स कैरेक्टर. पिक्चर तो लंबी लगेगी नहीं, बिकॉज जो रखने का तरीका होता है ना कि कब स्टोरी को प्रेजेंट करना है, कब बैक स्टोरी दिखाना है कि पहले क्या हुआ था, टाइम टू टाइम इधर उधर रखने का एक तरीका हो ना, वो बेस्ट है. तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब मूवी शुरू हुई, कब मूवी खत्म हो गई. पूरी मूवी एकदम एंटरटेनमेंट में निकलने वाली है. फुल पैसा वसूल, फुल
एंटरटेनमेंट और काफी वर्क किया गया है। मेन इज द एक्टर्स एंड कैरेक्टर्स के वर्क और पीछे जितने लोग हैं, अगर मेहनत करते हैं ना तो अच्छा आएगा और उनके मेहनत को आप लोग आओ और देखो प्लीज। थैंक यू। मजा आया एकदम, बहुत बढ़िया। पैसा वसूल, पैसा वसूल, पैसा वसूल।